राम राम लागदर के कहवा था नया सीईटी लग क्वालिफाई करवा की और फिर तो अपना पेपर दे की 50 नंबर में नौकरी लागी जुआ। नहीं पार्थ नहीं, क्योंकि 4 गुणा की पॉलिसी भी जिंदा है, ठीक है। फिर से तुम्हारा फूल खिलेगा और फिर से तुम्हारी गोभी खुदनी निश्चित है, ठीक है, क्योंकि सीईटी से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है। राम राम जी सारे ना, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के मॉर्निंग की कोल्ड नेस में फिर तक स्वागत करूँ। तो भाई नया सीईटी का नोटिस है भाई जारी हो चुका है लगभग, ठीक है। दिसंबर 2024 में आपकी परीक्षा होनी संभावित है, सारी की सारी चीज बताऊंगा। और 4 गुणा की पॉलिसी अभी भी जिंदा है, फिर तो तारी गोभी गोथन खातर, ठीक है, जमानू बूंडे डालन फूल खिलेंगे तारे, फिर तारी गोभी पट्टा ही पुचक देसी एकदम दिखाओगे तम भी फूल सानू ये है ये आ गया फूल, ठीक है। देखो भाई के कुछ मामला, सारी की सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखने को मिलेगी। जो भी नए साथी हैं लाइक भाई जिन्होंने अभी अभी प्लस टू करिए फ्रेश पीस आए मार्केट के अंदर सीईटी की तैयारी करना चाहते वो भी ध्यान से सुन लो क्या कुछ मामला है। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो लाइक रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कॉन्स्टेबल एसआई कोई भी रेलवे के एग्जाम की अगर आप तैयारी करने लग रहे हो एएलपी टेक्नीशियन जेई आरपीएफ एसआई कॉन्स्टेबल तो टेस्ट बुक के ऊपर पास प्रो से पास प्रो को लेकर भाई एक स्पेशल स्कीम आई है। 25 नवंबर से भाई आपके इन सभी के आपके स्पेशल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। 25 नवंबर से वैकेंसीज करीबन रेलवे के अंदर 41,500 प्लस वैकेंसी आई है, जिसके लिए 434 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर, 33 आपके फ्री टेस्ट, 4,267 प्लस मॉक टेस्ट, 33 सेक्शनल टेस्ट ये आपके अवेलेबल हो जाएंगे 8 से ज्यादा लैंग्वेज के अंदर टेस्ट बुक के अंदर, ठीक है। तो आप अगर इन सब्सक्रिप्शन को खरीदना चाहते हो आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आपको कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड लगाना, आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा टेस्ट बुक के ऊपर भाई, ठीक है। आपको पता सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड है ले सकता है, बाद में रेट बढ़ जाएंगे। तो अब देखो क्या कुछ मैटर है। एक तो यह खबर आई है कि हरियाणा में 54,000 सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ, सरकार ने सीईटी कराने को मंजूरी दी, 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की सिफारिश, अभी जस्ट 25 मिनट पहले की खबर है। तो करीबन ये समझो 54,000 के करीब आपकी वैकेंसियां आने का प्रावधान, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ही बोला था कि करीबन हम लोग 2 लाख पदों के ऊपर सरकारी भर्ती करेंगे, बोला था यह चीज है, 2 लाख पदों ऊपर भर्ती करांगे। तो 2 लाख पद तो तारे जिद्दे होंगे, धीरे 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 करेंगे, वैकेंसी बहुत खाली पड़ी है, आधा तो गणित एच के में सूट रखी है, ठीक है। तो आपका यो सारा सूट तार दिया जाएगा, बहुत ही जल्द आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। देखो अभी दिखाता हूं आपको, एक सेकंड ये रहा देखो। हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए सीईटी कराने के लिए सरकार ने दी हरी झंडी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा था पत्र। आप सभी को पता है कि एचएसएससी की तरफ से भाई आपके मुख्य सचिव साहब है उनको पत्र लिखा गया था कि भाई हमें सीईटी कराने की मंजूरी दी जाए, लेकिन आचार संहिता लगी हुई थी, इस वजह से सारी प्रोसेस रुकी हुई थी, लेकिन अब वो मंजूरी मिल गई। देखो ध्यान से, हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए सीईटी कराने के लिए प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसके बाद मानव संसाधन मीटिंग हुई। अब देखो क्या दे रखा है, मीटिंग में फैसला हुआ कि आगामी 31 दिसंबर तक सीईटी आयोजित करवा लिया जाए, ये ऑर्डर दिए हैं। एक तरीके से फैसला हुआ कि 31 दिसंबर तक तो भाई सीईटी हो जाना चाहिए, क्योंकि 2023 में भी नहीं हुआ और अगर अभी भी नहीं करवाया गया 31 दिसंबर तक तो 24 वाला भी है, समझो कि कैंसिल ही, मतलब कि वो जाके फिर 25 में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ लिखी भाई 31 दिसंबर तक आपका सीईटी कंडक्ट करवा लिया जाए। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को अभी यह पत्र भेजा जाना है, अभी मतलब कि भेजा नहीं है भाई वहाँ से आपका जो सरकार का हेड ऑफिस है। हालांकि हरियाणा के युवाओं की मांग है कि सीईटी पॉलिसी में संशोधन किया जाए भाई, सभी बच्चों की डिमांड है, मगर अभी तक सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया। अगर बिना संशोधन सीईटी आयोजित कराया गया तो युवाओं में फिर से नाराजगी फैल सकती है, क्योंकि सीईटी पास उम्मीदवारों में से कैटेगरी में विज्ञापित पदों का 4 गुणा का जो फॉर्मूला है को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, मगर युवाओं की मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाना चाहिए, इसके अलावा तकनीकी पदों के लिए अलग से सीईटी होना चाहिए। जब मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से आयोग एक सेकंड हो जाओ अभी सारी चीज़ उतार दी, आयोग सीईटी पत्र चला जाएगा, तो उसके बाद संभव कि आयोग में सीईटी, देखो आपको मोटी मोटी चीज़ बता देता हूँ। इसके अंदर चीज़ ये लिख रखी है कि भाई सभी युवाओं का, मतलब युवाओं की एक ही डिमांड है कि भाई सीईटी को क्वालिफाई नेचर कर दिया जाए। क्वालिफाई नेचर अगर आप नहीं भी करते तो कम से कम 4 गुणा की बजाय 10 से 15 गुणा बच्चे बुला लिए जाएँ, ठीक है। अभी तक जो पॉलिसी वो आपकी 4 गुणा की है, अभी तक सरकार ने इसके अंदर कोई भी संशोधन नहीं किया, ठीक है। अब ये जो 31 दिसंबर तक का जो ये लेटर मतलब अभी जारी होगा एचएसएससी को, उसके अंदर भी यही चीज़ है कि भाई आपको सिर्फ 31 दिसंबर तक सीईटी करवाना, भी उसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसको क्वालिफाई नेचर कर दिया गया या कुछ और कर दिया गया। अब क्या होगा कि वो लेटर जाएगा एचएसएससी के पास, एचएसएससी वाले उस लेटर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद भाई एचएसएससी वाले हो सकता है
क्योंकि पहले चेयरमैन अलग थे, अब चेयरमैन नए आ गए हैं, तो हो सकता है नए चेयरमैन साहब इस चीज के ऊपर डिसीजन ले और वो सरकार को सजेशन दे कि आप इसको या तो क्वालिफाई नेचर कर दो या इसको 10 से 15 गुना कर दो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी आपको ही हेल्प मिलने वाली है। एक तो बच्चे रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि इस सीईटी में हुई हैं जिसको बच्चे, जिसकी वजह से इतने सारे केस भी, बच्चे भी बहुत सारे परेशान हुए, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी अगले वाले सीईटी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए अब क्या भाई एचएसएससी की तरफ से भाई अभी जैसे वो लेटर पहुंचेगा एचएसएससी के पास, तो एचएसएससी की तरफ से भाई वो लेटर आपका मतलब कि रिक्वेस्ट करी जाएगी सरकार से, या तो आप इसको क्वालिफाई नेचर कर दो या 4 गुना के बजाय 10 गुना 15 गुना बच्चे कर दो, ठीक है। और जो टेक्निकल पद हैं जैसे मान लो आपके जेई के हो गए या फिर और भी ALM OLM VLD VLD स्पेशल अलग से इनकी अलग क्वालिफिकेशन है, इनका अलग से एक सीटी ले लिया जाए, जैसे राजस्थान के अंदर नहीं होता भाई ग्रेजुएशन लेवल का अलग से, ठीक है, प्लस टू दसवीं लेवल का अलग से टेक्निकल पद हैं, उनकी सीधी खुली भर्ती होती है, वो सीईटी के अंदर ही नहीं आती, ठीक है। अब तक तो भाई जो गलती होगी होगी, चलो कोई बात नहीं, टाइम बहुत खराब हो चुके हैं, अब उसको इतना समय नहीं बचा कि उसके अंदर सुधारने के अंदर टाइम खराब किया जाए, लेकिन अब आगे आने वाला सीईटी भाई उसके लिए भाई मेरा भी यही सजेशन है पर्सनल कि या तो उसको क्वालिफाई नेचर कर दो, अगर क्वालिफाई नहीं भी किया जाता आप लोगों से कम 10 गुना तो करो ही करो ताकि एक अच्छा मौका मिल जाए। और आप लोगों को भी मेरा यही सजेशन है भाई पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फिर बाद में फिर मुंह उठा के नून आ रही हो कि महाराज 4 गुना या 10 गुना का मैं नाम नहीं आया, ठीक है, कदे उस चक्कर मारो भैया तो क्वालिफाई नेचर अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्वालिफाई, अभी एचएसएससी के हाथ में, एचएसएससी सरकार से रिक्वेस्ट करेगी कि हाँ भाई इसको क्वालिफाई नेचर किया जाए, तब सरकार करेगी या फिर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तब होगी ये चीज़, आई चीज समझ में, वरना वही 4 गुना वाला सिस्टम रहेगा, फिर तारीखों भी खुदेगी क्योंकि तारा नंबर आने को नहीं, पढ़ो ताम हो को नहीं, टाइम पास ताम ना करने था मतलब, ठीक है, फिर रोग या खम गुट्ठे गाल गाल के भाई मारा तो 4 गुना में नाम नहीं आया, आवा चीज समझ में, तो चीज आ गई हो तो समझा वैकेंसी बहुत आने वाली है, टेंशन ना लो, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, कंडक्टर की वैकेंसी आएगी, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं आगे भविष्य के अंदर, तो अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है। ग्राम सचिव पटवारी भी आगे आएंगी, इस साल नहीं अगले साल आ जाएंगी, क्योंकि एक बार जो स्कोर करो, एक बार जोर मार के स्कोर कर दो भाई सीईटी के अंदर, ठीक है, एक बार किया हुआ स्कोर 3 साल तक वैलिड है, आओ जी समझो 3 साल तक वैलिड है वो स्कोर, नो कौन भाई कि हाँ ये भी अलग, ये मान लो आपका 100 नंबर का, तो 5 नंबर का भी झंझट को नहीं, 100 नंबर का सीईटी, 100 मतलब 90 नंबर आएंगे, 85 नंबर आएंगे भाई, वो 3 साल तक वैलिड होंगे, 3 साल तक 19 नंबर का हिसाब तो नौकरी मिलेगी, आओ चीज समझ में, ठीक है। अगला सीईटी में भाई फिर दोबारा फिर मेहनत मारनी पड़े, एक के बारे में मेहनत मार दो, अगला अलग टॉपिक ना लेगी ना जाओ, आओ चीज समझ में, और फिर सुतरी अपना मेन्स की तैयारी करियो जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो भाई ये सारी सूचना थी कि आप लोगों का नया सीईटी होगा और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की 31 दिसंबर तक आयोजित करवा लिया जाए, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है भाई 31 दिसंबर तक सीईटी का आयोजन, मेरे हिसाब से जो पर्सनल है भाई कि मार्च तक आयोजित होगा ये, क्यों आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप ये समझो, अभी तो ये जो पुराने साथी इनका रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आएगा, इनकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी, सारा प्रोसीजर होगा। अगर नए सीईटी की बात करें, एचएसएससी के पास लेटर पहुंचे, एचएसएससी कोई 10 गुना या क्वालिफाई का वो करे, सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास से घूम के फिर अप्रूव होके फिर एचएसएससी के पास आए, इसके अंदर समय लगेगा, तो करीबन ये समझो 10-15 नवंबर के आसपास तो इसका नोटिफिकेशन या फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, जहाँ तक मुझे लगने लग रहा, पर्सनल बताने लग रहा, ठीक है। फिर 20-25 दिन के लिए इसके फार्म ओपन होंगे, उसके बाद 2-3 दिन के लिए डेट और भी एक्सटेंड होगी, उसके बाद फिर जो फार्म का डाटा आएगा एचएसएससी उसको एनालाइज करेगी, फिर एक कंपनी को टेंडर भी देगी कि आप परीक्षा आयोजित करें, आप परीक्षाओं के पेपर बनाओ, ठीक है, पेपर बनाने में समय लगेगा, सेंटर बनाने में समय लगेगा, करीबन ये समझो कि जहाँ तक ये मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताने लग रहा हूँ, बाकी भाई नए चेयरमैन साहब हैं फास्ट स्पीड में काम करते हैं, हो सकता है भाई जल्दी भी आयोजित करवा ले, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता, मेरे हिसाब से भाई ये फरवरी मार्च तक एक्सटेंड हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगने लग रहा है, ठीक है। बाकी क्या पता दिसंबर के अंदर भी हो जाए, आप अपनी दिसंबर के हिसाब से तैयारी करना, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे लगने लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहना भाई, हो सकता है दिसंबर के अंदर ही आयोजित हो जाए। तो यही सूचना आप सारे थी देनी थी भाई, बाकी रेलवे की अलग अलग फॉर्म लिख रहे, NTPC के फॉर्म भर दो अपना, ठीक है, और भी बहुत सारी लिख रही भर्ती सेंटर लेवल की, उनकी भी तैयारी साथ के साथ करते रहो भाई, एक लाड़े का भरोसा ना रही हो, ठीक है, लाड़ा ले लो, खेच जाओ, पढ़ाई जारी रखो भाई।